हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सुपर क्रिस्पी और करारे किस्म के पकौड़े। और वो क्रिस्पी कैसे बनेंगे इसकी मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए हम सबसे पहले लेने हैं 2 प्याज और 4-5 हद की ज़रूरत, जिससे आपने पकौड़े निकालने हैं उस हिसाब से आपने प्याज और आलू ले लेने हैं। आलू और प्याज को हम फिंगर स्टाइल शेप में काट लेंगे और उसके अंदर हम 3 हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट के ऐड कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम अपने प्याज और आलू के हिसाब से बेसन डाल देंगे। हमारा जितने हमारे आलू प्याज थे उस हिसाब से हमने 1 कप इसके अंदर बेसन का डाला है। अब इसके अंदर हमने डालनी है 1 टेबलस्पून अजवाइन की। अजवाइन से एक बहुत डिफरेंट सा टेस्ट आ जाता है। और इसमें अंदर हमने डालना है सूखा धनिया। सूखा धनिया का पाउडर नहीं डालना, हमने क्रश हुआ हुआ सूखा धनिया डालना है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून क्रश्ड रेड चिली, जिसको शायद दड़ा मिर्च भी बोलते हैं। फिर इसके अंदर साथ हमने ऐड करना है 2 टेबलस्पून नमक के। नमक आप अपने अपने मिक्सचर के हिसाब से डालेंगे, जितना आपका सामान होगा उतना आप नमक डालें। हमने 2 टेबलस्पून डाले। 1 टेबलस्पून डालेंगे हम लाल मिर्च, और जो मसाले हैं इनको हम सारा ऐसे साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का। काली मिर्च का 1 ही टीस्पून बहुत रहेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर लाल मिर्च क्रश वाली भी डाली है और दूसरी भी डाली है। इसके अंदर फिर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरे के, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर डालना है 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च के। सो कॉर्न स्टार्च वो इंग्रेडिएंट है जो इसको सॉफ्ट और साथ साथ क्रिस्पी बनाता है। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करके देखें। तो अब साथ हमने इसमें डालने हैं 2 टेबलस्पून योगर्ट के। योगर्ट भी इसको सॉफ्ट रखने में मदद देता है। अब इसको हम पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे। इसका बैटर ना ज़्यादा थिक बनाना है ना ज़्यादा थिन बनाना है, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो भी ठीक नहीं है, हमने इसको नॉर्मल बैटर रखना है। तो इसके अंदर अब हमने एक और चीज़ डालनी है, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हमने बिल्कुल 1/2 टीस्पून डालना है, वो इसको थोड़ा फ्लफी रखेगा। पकौड़ों में मैंने पालक इसलिए नहीं डाली क्योंकि पालक से इतने ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता किस्म के पकौड़े नहीं बनते, थोड़े डल डल ढीले ढीले से बनते हैं। तो जो है प्याज और आलू, इसके पकौड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और यम्मी बनते हैं। तो आप लोग एक दफ़ा पालक के बगैर ट्राई कीजिएगा। मैं इसमें धनिया डालती थी काफ़ी सारा, पर इस टाइम हमारे पास धनिया अवेलेबल नहीं था तो धनिया नहीं डाला। पालक भी नहीं डाली, धनिया भी नहीं डाला, क्योंकि वैसे भी पालक तो मैं डालती नहीं, आपको मैंने बताया। पालक की जगह धनिया ज़्यादा सारा डालती हूँ, धनिया इस टाइम है नहीं, तो इस वजह से बस प्याज और आलू के पकौड़े बना रही हूँ। इसको हमने पकौड़े डाल देने हैं और उसको मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन करके निकाल लेंगे। ये देखें, जब इस तरह के लाइट ब्राउन गोल्डन से हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। और देखें, ये देखने में थोड़े फ्लफी लग रहे हैं, मगर जब हम इसको खाएंगे तो दे आर सुपर क्रिस्पी। जब हम इसको खाएंगे दे गोइंग टू बी सुपर क्रिस्पी। वाह, हमारे ये खस्ता और करारे किस्म के पकौड़े हैं तैयार, और अब हम इसको हरी चटनी और केचप के साथ खाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके भी इसी तरह के खस्ता बने या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।